बूम तो यार अभी आपका भाई तैयार हो चुका है, शराफत साहब भी तैयार हो चुके हैं, हेयर ड्रायर मार रहे हैं सर, शान साहब भी तैयार हैं फुल। और अभी मैं आपको अपनी फुल लुक दिखाता हूँ, ये शीशे में जाके ये चेक करें जी, ऐसे करके शूज भी देख लें। और अभी हम लोग यार चलते हैं नीचे, और नीचे जाके माहौल देखते हैं क्या है। पहले तो फ़ोन करके पूछेंगे कि अगर तो ठीक है जाने लगे हैं सब, फिर ही जाएंगे नीचे, वैसे नहीं जाएंगे और एंड पे जाएंगे। फिर जा रहे हैं बस में अपनी, और अभी जाएंगे खाना खाने, नाश्ता करने। खराब अभी नाश्ता करने हम लोग आ चुके हैं। ये कौन सा होटल है? माशाल्लाह कोटा कैफे। यहाँ पे बन रही है चाय, इधर बन रही है, पन नहीं खाता भाई। ये बाबर साहब खड़े हैं अपनी निगरानी में सबको नाश्ता करवाते हुए। यहाँ पे सारे टीचर्स बैठते हुए, ये आपका विलाग वाला है? यस सर। आप कैसा महसूस करें ट्रिप के साथ आगे? चले अभी इंशाल्लाह और मजा आएगा, है ना, नाश्ता करने के बाद। ओके सर। नदी आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा होटल मिला है माशाल्लाह। चले अभी टेस्ट भी करके देख लेते हैं इंशाल्लाह। यार ये देखें, सब ने भी अपने अपने ये रख लिए चने, मुझे नहीं दे रहे ये लोग। मैं बेचारा टेबल खाली पे बैठा हूँ, ये तो गलत बात है ना यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये भी अपना फुल नाश्ता जो है ना अभी आ चुका है। यहाँ पे चीज भी है, वो चाय है, वो भी आ रही है। आपके भाई ने बोल दिया है आ जानी है। अभी हम लोग यार पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, लेकिन सामने मुझे यार सेंट्रल मॉल नजर आ रहा है जो कि बहुत ही मजे का है। यहाँ पे हमने जाना है रात को फैसल मस्जिद के मीनार। किधर है भाई? मुझे तो नहीं नजर आ रहा है, पता नहीं कितने सेंट्रल मॉल दे जड़े ना तीन मीनार। यार ये व्यू चेक करो यार, ओए 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 कमाल यार, इस्लामाबाद बहुत ही सोना है यार, बहुत ही। यार यहाँ पे ना कोई हाइकिंग वगैरह का एरिया है? यहाँ पे इन्होंने हदायत वगैरह भी लगाई हुई है, फर्स्ट टाइम आए हैं। कितने सांप और फटे मुंह? ओए मैंने पता लगा कैजुअल किन्ना की उधर भी सी की है थे शूज भाई, शूज शूज यहाँ पे चलेंगे और कुछ नहीं। यार की है शायद चिमिन तो समझ नहीं आ रही, जंगल है कोई कोई समझ नहीं आ रही कहाँ ले कसम से। हाइकिंग उत्ते जाना होता, हाइकिंग ना मतलब ये तो थले नु टुरी जा रहे हैं आप। थले नु टुरी जा जब करके सर जी। ये कौन सी जगह है जहाँ पे हम आए हैं? ये जगह जो है मुझे खुद फॉर्म नहीं है, बहरहाल मैं बताता हूँ आपको। यार इस जगह पे मैं भी पहली दफा ही आया हूँ। तू जब इतने आता रहना ना हाइकिंग करा। वो मेरा रिवॉक लोता। ये जो जगह है ना ये कोई हाइकिंग वगैरह के लिए है, पैदल पुदल चलने के लिए, जंगल जुंगल है यहाँ पे। कहते हैं जानवर जूनवर भी आएंगे, मुझे तो कोई जानवर नहीं नजर आ रहा। ये आगे सामने पहाड़ पहुड़ है इनको। सर जी मार्गला हिल्स है, मार्गला है ना सर जी? रेस लाइए देखते हैं पहले कौन उत्ते पहुंच दो। ओ पहाड़ी तो कोने से जाना, लोग तो फुल टना टन ऊपर जा रहे हैं, सबसे आगे हम ही हैं। आगे सर लोगों ने बताया कि कोई वाटरफॉल है, अगर हम तेज चलेंगे तो हमें 10 मिनट लगेंगे, अगर हम स्लो चलेंगे तो हमें तकरीबन 15 मिनट या 20 मिनट लगेंगे। हम दरमियानी स्पीड से जा रहे हैं, हमें 12-13 मिनट लगेंगे। साथ मेरे अब्दुल मोहित भाई हैं, और हमने सोचा कि हम लोग ना जल्दी पहुंच के उसको पहले डिस्कवर करेंगे। वो एक ना मुझे जानवर भी नजर आया, परिंदा है वो, परिंदा आगे एक बड़ा सारा, ये पीछे पे आएगा ना कसम से, बड़ा गंदा पहना है पीछे। बोल भी बोल, क्या ये है? लसूड़ा, लसूड़े का दरख्त मिला जी हमें रास्ते में। अभी हम लोग अपनी मंजिल की तरफ रवाना दवाए, हमारे कुछ दोस्त आगे निकल गए, हम लोग पीछे रह गए फिर से। अरे कोई नहीं, हम मिल जाएंगे उनसे, वो अभी कुछ गैंग पीछे आ रहा है। ये जी अभी हम काफी ज्यादा करीब है वाटरफॉल के, लेकिन वो भाई एक गुजरे हैं, वो बड़े प्रो हैं, वो रेड बैग में जा रहे हैं। उनसे पूछा हमने तो वो कह रहे हैं कि आजकल पानी नहीं है, लेकिन फिर भी मच्छी पत्थर चट के वापस मुड़ू।
देखते हैं आगे जाके यार, जब तक तसल्ली नहीं ना हो जाती, खुद आंखों से नहीं देख लगते तब तक ना मान नहीं जाना हम लोगों ने, लगे रहो। ओए देखें यार कितने बड़े पत्थर यार, ओए होए होए होए, बहुत बड़े पत्थर है यार, देख के इनको डर लग रहा है। यहाँ तक हम लोग आ गए थे, यहाँ से आगे थोड़ा सा सफर था, लेकिन हमें मना कर दिया गया कि नीचे आ जाओ, अभी हम लोग वापस नीचे जा रहे हैं। सूस हो रहा है यार थोड़ा सा, नीचे नहीं जाना चाहिए था, अभी इतने पास आ गए थे, पानी के करीब पहुंच चुके हैं। मेरे शूज में स्लिप थी, छोटी सी वाटरफॉल है ये। हाय पानी, हाय पानी, हाय पानी, ठंडा पानी है, मजा। ए बोतल भर सारे पीने, बोतल भर, बोतल ऐसे पूरे आने के, ऐसे फाइनली जी हमें पानी मिल चुका था, और अभी हम लोग ना जा रहे हैं वापस, जल्दी जल्दी जाएंगे वापस, क्योंकि सर हमारा ना बड़ी बेदर्दी से इंतजार कर रहे हैं। चलते हैं अभी वापस, वापस जाके आपको वैन में मिलते हैं, फिर आपको हालात दिखाएंगे कि हमारे कितने अच्छे हालात हैं, कितने बुरे हालात हैं। Did you have come to visit Pakistan? Then why you come here in Pakistan? To visit? I don't want. I don't. Did you like Pakistan? Pakistan is very beautiful country. It is a beautiful. Exactly. So I don't need to vlog. I love Pakistan. Yeah. Oh, thanks, like bro. Pakistan. Thank you, bro. I love it. Huh? Thank you. Yeah. Oh, what's your name, bro? You love Pakistan? Adam. Adam. My name is Adam. Hey. Nice. Are you vlogging? Are you Muslim? Oh, hello. Hello. Muslim? Muslim name? No, just a human. Just a human. Great. Yeah. Just a human exploring the world. Your beautiful country. And your beautiful people that are so nice. What do you feel about Pakistan people? I love them. They're so kind, so hospitable, so generous. Oh, thanks. Subhanallah. Yeah, so kind. Okay. Yeah, very nice. Nice so to meet you. Nice to okay, meet bye. You guys. Allah Hafiz. मैं तो ना रहना हूँ। हम लोगों को मिला था अंग्रेज, उसका नाम था एडम, पता नहीं एडम था या एरम था, उसने एडम 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 तो कुछ याद आया? एडम एडम और ये ना योगर्ट लेके आया। मैं आपको बताता हूँ यार, मैं खुद ही बता देता हूँ, मैं योगर्ट लेके आया, मुझे स्लिप हो गया, मेरे मुंह से स्लिप हो गया, वो एडम्स का था, मैंने बोल दिया आदम जी, अभी मेरे पीछे पड़ा हुआ है एडम्स। ओह माय गॉड, आर्मी वाले एडम जी होता है। मिल गया था अंग्रेज भाई हमें, उसके सही उसको तंग किया, अभी भी बेचारा वो हमारे से आगे था, लेकिन उसको ना पीछे हमारे दोस्तों ने घेर लिया। वो कह रहा वेरी काइंड पीपल, वेरी काइंड पीपल, दिल के अंदर तो वो गालियां निकाल रहा होगा, ये केड़े मेनू लोग मिल गए इतने। लेकिन खैर हम तो उससे निकल आए हैं और हम लोग आगे, और यार एक बैड न्यूज है, आके भाई के ना शूज टूट गए हैं, चेक करें यार, ओए होए बहुत गंदा रास्ता है, अगर आप लोग यहाँ आते हैं तो यार बिल्कुल ना आना, आगे बिल्कुल ना जाना, बस बहुत बुरे हालात हैं। ओए सकलैन तो होगे कि मैं आ गया, एकदम गिरदा हुआ हाइड्रेशन लेवल पानी का, अभी काय करना यार, मेरे तो बूट टूट गए यार, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, एल्फी लानी पड़नी जा, लैंड पे जाना पड़ा है, वापिस आ गए यार सब लोग। ओ अद्धी जल्दी अद्धी बंद हो जाती है, बहुत 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 बुरे हालात हैं इस टाइम, मैं आते सारे ग्लास पानी के ऊपर अपना फेंक लिया, और ये चेक कर पूरा गीला हो गया, अभी आपका भाई ग्लास पानी के ऊपर फेंक के, खैर अभी वापस आ गए हैं, सुकून करते हैं थोड़ी देर अभी। तो यार अभी जो है ना, हम लोगों को लगा था कि रास्ता ख़त्म हो गया, लेकिन अभी भी इतना सारा रास्ता बचा पड़ा है, और टांग में बिल्कुल भी जान नहीं, हम लोगों ने ठंडा पानी खानी तो पी लिया, सकलैन भाई मेरे साथ है, और ना अभी उम्मीद है कि ये मोड़ मुड़ के हमें ना खुशी की खबर मिल जाएगी, अभी देखते हैं कि ये मोड़ मुड़ के हमें क्या मिलता है, देखने को अल्लाह करे। हाँ यही है, ये बोर्ड यहाँ पे लगे हुए थे, और यहाँ से होता है जी हमारा एग्जिट। ओए हाँ वो दरस्ताल फिर रहे जी सर, भाई मैं आप लोगों को एक नायाब चीज़ दिखाऊँ ना, जो कि 850 साल पुराना दरख्त था इस टाइम, ये देखें इसके पास जाकर मैं आपको दिखाता हूँ, ये इतना जॉइंट बड़ा है ना, ये बहुत बड़ा है, ओए होए 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 ओए दरख्त है की ये तो कोई 25-30 दरख्त ने, बहुत बड़ा दरख्त है यार ये तो। एक मिनट कैमरा पकड़ी, बोर्ड ही लग गया इन, एक मिनट सकलैन कैमरा पकड़ी, मैं जब भी बनू यार ये देखें, इस टाइम ये मैं इतना आ रहा हूँ इसके ऊपर, और ये इतना बड़ा दरख्त है, 850 साल पुराना दरख्त है ये,
इसके पीछे पता नहीं क्या है, इसके पीछे और भी जंगलात है, लेकिन ये ना ऐसा लगता है जैसे काफी सारे ना दरख्त मिल के एक दरख्त बना रहे हो। इसका वहाँ बोर्ड भी लगा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो ना वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है इसका, ये देखें जी ये बोर्ड लगा हुआ है, ये दरख्त का उन्होंने थोड़ा सा स्केच भी बनाया हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है जी 850 years अप्रोक्स एज इसकी जो है ना, ये देखें इतना पुराना यार दरख्त, 850 साल, मुंह से कहना यार बड़े लंबा टाइम, बड़ा नहीं बहुत 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 ज़्यादा लंबा टाइम है। खैर अच्छा लगा देख के, ये थोड़ी सी फील आई है कि हमारे पाकिस्तान में भी कोई ऐसी चीज़ है। अभी वापस चलते हैं अपनी गाड़ी में, वो हमारी बस खड़ी है, बड़ा सुकून आया इसको देख के। निकल गई हर शे यार वहाँ से, तो हम लोग होते हो गए थे फ्री मार्गला हिल से, वो तो इसी के साथ ब्लॉग भी होता है यहाँ पे समाप्त नहीं देते, ब्लॉग पसंद आए ब्लॉग पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जो तो फेसबुक पेज छोड़े देखते थे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय टाटा अल्लाह हाफिज़।